ट्रेन का संख्या अलग अलग थी। फिर हमने बड़ी वेले फॉर्म करी जिसमें हमने बॉक्सेस बनाए थे, पैरामैग्नेटिक और ये सब बिहेवियर बताया था। आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये हम पढ़े किसके लिए है? फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इनके बीच में बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ रहे हैं। ये थ्योरी कहती है कि मेटल एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है और लिगेंड एक पॉइंट नेगेटिव चार्ज है। एंड दिस थ्योरी सेज कि दोनों के बीच में जो बॉन्ड है उसका नाम है आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। इस बॉन्ड का नाम है आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। और दूसरी बात, ये थ्योरी कहती है कि जब मेटल के पांच डी ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना है, दीज आर द डी ऑर्बिटल्स इन फ्री मेटल और आयोन। कभी कभी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो भी होता है, हमने मेटल लिख दिया। कभी कभी आयोनिक फॉर्म में भी होते हैं, हमने आयोन लिख दिया। जैसे ही लिगेंड इसके पास आता है, डी ऑर्बिटल के पास आता है लिगेंड, डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। एनर्जी क्यों इंक्रीज होती है? डी ऑर्बिटल में ए दो तीन कोई तो इलेक्ट्रॉन होगा, चाहे वन हो टू हो थ्री हो, कोई तो इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। बिकॉज इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, लिगेंड पर भी नेगेटिव चार्ज है, रिपल्शन होगा, एनर्जी बढ़ जाएगी। लिगेंड अब और पास आ रहा है और इसके पास आएगा जब लिगेंड, तो जो डी ऑर्बिटल्स हैं इनकी स्प्लिटिंग हो जाएगी। स्प्लिटिंग का मतलब होता है दो टुकड़े हो जाएंगे, तीन ऑर्बिटल नीचे दो ऊपर। नाउ द क्वेश्चन इज, तीन नीचे क्यों है, दो ऊपर क्यों है, दो नीचे क्यों नहीं है, तीन ऊपर क्यों नहीं है? तो उसका रीजन है डी ऑर्बिटल्स। ये देखो, फाइव डी ऑर्बिटल्स, इसे कहते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। बताओ दोनों में क्या डिफरेंस है? इन तीनों में और इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सिस के बीच में है और इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड अलोंग द एक्सिस है। इन दोनों में ये दोनों हैं और ये तीनों नीचे हैं। अब इनकी एनर्जी कम क्यों और इनकी एनर्जी ज़्यादा क्यों? उसका रीज़न है कि ये है हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पे जब लिगेंड आता है ना, अलोंग द एक्सिस आता है। लिगेंड का आने का स्टाइल क्या है? एक्सिस के अलोंग आता है। इमेजिन करो, लिगेंड एक लिगेंड यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, एक नीचे से, एक इधर से, तो ये तीनों ऑर्बिटल क्या होते हैं? थैंक गॉड हम बच गए। क्यों बच गए? लिगेंड यहाँ से आ रहा है, हम तो साइड पे, और यहाँ पे कहाँ है? लिगेंड जहाँ से आ रहा है ऑर्बिटल उसके रास्ते में आ रहे हैं, तो इनको इससे ज़्यादा रिपल्शन महसूस होगी। तो इनकी एनर्जी लिगेंड के पास आने से थोड़ी बढ़ जाती है, इनकी उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती है। समझ में आ गया कि तीन नीचे क्यों है? लिगेंड की एंट्री का स्टाइल है अलोंग द एक्सिस। अब अलोंग द एक्सिस दो पढ़ते हैं, ये तीन है इन बिटवीन द एक्सिस, ये तीनों कहते हैं थैंक गॉड लिगेंड यहाँ से आ रहा है, हम तो साइड पे हैं। तो इनकी एनर्जी उतनी ज़्यादा नहीं चेंज होती, मीन्स इंक्रीज नहीं होती, इनके कंपैरेटिवली इनकी एनर्जी बढ़ जाती है। इस पॉइंट को बोलते हैं बरी सेंटर। इन तीनों ऑर्बिटल्स को बोलते हैं टी टू जी। अब पता चला टी टू जी थ्री जो हम पढ़ते थे डी एंड एफ में, ये वही है। इन दोनों को बोलते हैं ई जी, टी टू जी एंड ई जी बरी सेंटर। दोनों के बीच में एनर्जी के डिफरेंस को बोलते हैं डेल्टा ओ। व्हाट इज दिस डेल्टा ओ? डेल्टा ओ इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। और यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन जाएगा उसकी एनर्जी -0.4 होती है और इसकी एनर्जी +0.6 होती है। दोबारा से देखेंगे, डी ऑर्बिटल्स है मेटल में, जब मेटल अकेला है, जैसे ही लिगेंड इसके पास आता है इनकी एनर्जी बढ़ जाती है। वाई? बिकॉज लिगेंड्स आर नेगेटिव
their structure. Ligand की जो entry का style है वो है along the axis, और along the axis हमारे दो orbital हैं. इनको repulsion ज़्यादा महसूस होती है तो ये ऊपर चले जाते हैं, इनको repulsion कम होती है क्योंकि ligand यहाँ है और orbital side पे बड़े हैं, कहते हम बच गए, ligand के रास्ते भी नहीं आ रहे, तो repulsion कम महसूस होगी तो ये नीचे आ जाएंगे. इसे बरी सेंटर कहते हैं, डेल्टा ओ कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी डॉक्टर हैंडल फील्ड. यहाँ पे हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -0.4 है, यहाँ पे हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी +0.6 हो गई है. अब ध्यान से सुनेंगे, मान लो किसी में 3 इलेक्ट्रॉन है, तुम्हें याद होगा जब तुमने वो बॉक्सेस बनाए थे उसमें क्रोमियम में कितना था, 3 पॉजिटिव था ना, 3 पॉजिटिव का मतलब क्या था, 3 इलेक्ट्रॉन, वो 3 यहाँ पड़े हैं, ये 3 यहाँ भी पड़े रहेंगे, आगे भी कैसे जाएंगे, 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, तीनों के तीनों नीचे आएंगे. इमेजिन करो इसी डी ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए. अब बताओ फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठेगा या ऊपर जाएगा, ये दो बातें हैं, यहाँ पर दो बातें हैं. D1 से लेके D3 तक सारे इलेक्ट्रॉन नीचे जाएंगे. D4 में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठने के लिए जाएगा, मैं आ जाऊँ, तो ये ऑर्बिटल के अंदर एनर्जी है, पेयर होने के लिए एनर्जी लगती है, अभी अपने घर से तो लाएगा ये एनर्जी, ये इसको पूछता है डेल्टा ओ से एनर्जी देगा, डेल्टा ओ से पूछता है एनर्जी देगा. तो यहाँ पे दो बातें हैं, अगर तो डेल्टा ओ मोर देन पी है, व्हाट इज दिस पी, पेयरिंग एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को यहाँ बैठने के लिए पेयरिंग एनर्जी देनी पड़ती है. तो ये पूछता है कि डेल्टा ओ से कि क्या तुम मुझे एनर्जी दोगे, डेल्टा ओ अगर पी से ज़्यादा है देन पेयरिंग विल हैपन एंड इलेक्ट्रॉन विल गो टू दिस ऑर्बिटल, पेयरिंग विल हैपन. ध्यान से सुनना, D4 से लेके D7 तक ये ड्रामा चलेगा. तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि D4 कॉन्फ़िगरेशन है, डेल्टा ओ मोर देन पी है, व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन, आंसर इज D2G4EG0, मींस पेयरिंग इज हैपनिंग. इमेजिन करो एक वीक सा लिगेंड है, उसके पास डेल्टा ओ ज्यादा नहीं है, इफ डेल्टा ओ इज लेस देन पी देन पेयरिंग विल नॉट हैपन, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा. अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, T2G3EG1. इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर चारों इलेक्ट्रॉन्स नीचे बैठेंगे तो हम कहते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. उसमें याद है पेयरिंग वाले में इनर ऑर्बिटर था उसमें आउटर, इसमें लो स्पिन हाई स्पिन बोलते हैं, जहाँ पेयरिंग विल हैपन इसे हम बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और जहाँ पे पेयरिंग नहीं हो रही वहाँ इसे बोलेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. एनी आइडिया, लो स्पिन ज़्यादा स्टेबल है कि हाई स्पिन, एनी वन, लो स्पिन ज़्यादा स्टेबल है कि हाई स्पिन, लो स्पिन कैसे, लो स्पिन का मतलब है देखो जरा, अगर 4 के 4 इलेक्ट्रॉन नीचे बैठे हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन को -0.4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आता है, -1.6. अब इनको करो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 से, -1.2 आया, 3 इलेक्ट्रॉन्स का -0.4 है तो -1.2 आया. अब तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर गया है, इसकी एनर्जी है +0.6, डिफरेंस निकालो कितना आया, -0.6. और ये रूल होता है जितनी ज़्यादा एनर्जी डिक्रीज होती है उतना ज़्यादा स्टेबल होता है. तो स्टेबल कौन है, -1.6 वाला स्टेबल है या -0.6 वाला, ये वाला ज़्यादा स्टेबल है. एनर्जी जितनी डिक्रीज होने का मतलब है बाकी बाहर निकलती, जितनी सिस्टम के पास कम एनर्जी हो वो उतना स्टेबल होता है. अगर हमारे में ग्रोथ है, एनर्जी ज़्यादा है तो हम अनस्टेबल है, हम क्लास में अटेंड ही नहीं कर रहे, हम सुन ही नहीं रहे, लेकिन अगर हम शांत हैं, हम आराम से सुन रहे हैं, हमारी एनर्जी कम है तो शांति होती है. सेम इज हैपनिंग हियर, -1.6 का मतलब एनर्जी बाहर निकल गई 1.6, हैप्पी. लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स से. एक बार दोबारा बता रही हूँ, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कैसे पता चलेगा कि ज़्यादा है कि कम है, इट विल बी गिवन इन द पेपर, ये क्वेश्चन भी गिवन होगा, इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन पेपर. और दूसरी बात, एक और चीज़ मैंने कितनी बार बताई है, 3 लोग हैं ना,
कौन कौन, साइनाइड, ऑक्सीलेट और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनिल, ये तीनों पेयरिंग करते हैं। एक ये वाला पॉइंट तो हमने रखी है। दूसरी बार इट विल बी गिवन इन द एग्जाम, जैसे कि दोबारा से सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्रिस्टल फिलिंग स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स को एक्सप्लेन करो। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। डी ऑर्बिटल है फ्री मेटल में, ये लिगेंड का अप्रोच किया, इसे हम कहते हैं डी ऑर्बिटल्स इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, लिगेंड्स, इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स, एंड दिस इज व्हाट हैपनिंग स्प्लिटिंग, टू जाना ऑफ डी ऑर्बिटल, हाउ दे आर ब्रोकन, 3 नीचे 2 ऊपर, जो 3 नीचे है वो कौन से है, ये वाले ऑर्बिटल डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स वाई, बिकॉज जो लिगेंड है ना वो अलोंग द एक्सिस आता है, तो अलोंग द एक्सिस वाले 2 ऑर्बिटल हैं। इन लोगों को, 2 ऑर्बिटल को ज़्यादा रिपल्शन महसूस होती है, इनकी एनर्जी बढ़ जाती है, और D1 से लेकर D3 तक क्या होगा, लो स्पिन बनेगा। D4 से लेकर D7 तक क्या होगा, अगर तो डेल्टा ओ पी से ज़्यादा है तो लो स्पिन बनेगा, डेल्टा ओ पी से कम है तो हाई स्पिन बनेगा, और इनकी एनर्जी का हम पॉइंट दे सकते। ये लिखा होगा, डेल्टा इज मोर देन पी, हम समझ जाएंगे पेयरिंग में हैपन, एनर्जी विल नॉट बी गिवन, ऐसे एनर्जी नहीं दी होगी, बट ये लिखा होगा। हाँ, जब आगे हमने डी ऑर्बिटल की जब एनर्जी बढ़ी तो वो कंप्लीट एनर्जी में बढ़ेगा, मर्जी है, आप ऐसे भी लगा सकते हो और ऐसे भी, एक ही बात है, दोनों का मीनिंग एक होता है, मैंने तभी अलग अलग लगाया, आप इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, वो तो दीज आर द सेम थिंग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एरो हाफ दिखाओ या कंप्लीट दिखाओ, ठीक है। अच्छा, D8 में क्या होगा, 10, D8 में, 9 में और 10 में केवल हाई स्पिन बनेगा, क्यों बनेगा, देखो D8 में T2G6EG2, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, 4, 5, 6, 7 में पॉसिबिलिटीज 2 है, लो स्पिन हाई स्पिन, D8 में नहीं है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो निकल होता है, निकल 2+, हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों बनाता है, इसका आंसर है बिकॉज इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, D8 कॉन्फ़िगरेशन होती है, और D8 का केवल हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बन सकता है, याद तक आता है समझ में। उसके बाद है हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ये हमने सीखा ऑक्टाहेड्रल के लिए, अब हम लिखेंगे टेट्राहेड्रल के लिए। हाँ जी, D1 से D3 क्या था, लो स्पिन, D8 से D10 क्या था,
हाई स्पिन, D4 से D7 क्या था वो लो स्पिन एंड हाई स्पिन, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ डेल्टा ओ एंड पी विच विल बी गिवन इन द एग्जाम। और ज्यादा स्टेबल कौन होता है?